साहब के कुछ ज्यादा ही सदमा लग गई। और काबुल ने हूं दिल के धड़कन कम हो रहल बा। बाबा बाबा अब हम ही सब कुछ छोड़ दे बाबा, ये कॉमेडी ओमेडी सब छोड़ दे, आप बस ठीक हो जाइए एक बार, दुकान हम संभाल ले बाबा। बंटी भैया वैसे का भइल बा जरा साफ साफ बताइबा। इतना ज्यादा पैसा का नुकसान बाबा के दिल सहना पौलस। अरे हट, नुकसान तो कुछ भइल ही नहीं के, तो का सहना कर पैनी। नुकसान नहीं के भी मतलब? अरे उस दिन तो हम रात के दादाजी के पास पैसा लेके फंस गए रही, फिर हम दादाजी के सब बता देनी, मेडूसा, नवाब, स्वीटी दीदी, मुर्गी, हीरा साहब, स्वीटी दी, राजा, लिमका, स्वीटी दीदी, डायरेक्टर भैया, जमींदार भैया, का भइल ऐसे का ही देखा तारा, जे भी भइल दादाजी सब कुछ सुनलन, और सुनला के बाद वह कहलन कि समझ नहीं, बाकी जब बिना मशीन के ही आराम मिल सकत बा तो मशीन लेवे के का जरूरत बा। फिर हम और दादाजी असली पैसा के निकाल के दुकान के सारा नकली पैसा निकाल के बैग में भर देनी, तो हर पैसा तो हमनी के घर पे ही बा। बेटा आज से सारा कारोबार हम संभाला बाबा, आप बस रेस्ट करी। भोजपुरी अब से तो हर घर वापसी हो गई। तुर दादाजी तो सबके बाप बाड़े रहे, जीनियस। ओकरा बाद हमनी के पास कैश ही कैश आवे लागल। ये देखा ना फोटो निकलल बा। प्रणय भैया के लाइफ तो अब सास बहू के सीरियल की तरह हो गई बा। आंटी बहुत अच्छा बिया लेकिन थोड़ा गुस्सेल बिया। और भाभी भी ना बिल्कुल आंटी जैसन बनल जाता डी। स्वीटी दीदी के बारे में बंटी भैया अपन पिताजी के अभी नहीं के बताइले, असल में वो थोड़ा संस्कारी बड़न, और स्वीटी दीदी ता आप ता जानता नहीं। स्वीटी दीदी तब नवाब भैया के हीरोइन बाड़ी हुई हुई ऐप खातिर बिंदास भाभी के नाम पे एगो सीरियल बनावत आड़न। कहले बाड़े कि हमरा के सीरियल में एक्टिंग के चांस दिए हैं,